हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हमारे चैनल अंकित यूपी सिस्टम में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैंने फिर आप लोगों के लिए लाया है बहुत ही खास वीडियो, जो कि मेरे दोस्त सारे कमेंट करके बोल रहे थे, जो कि मेरे बलिया से जो दोस्त भी हैं जो डॉग वगैरह रखे हैं वो भी बोल रहे थे कि अंकित इसके ऊपर वीडियो बनाना, कि मतलब तू उसको क्या खिलाता है पिलाता है। आप लोग को थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको आते रहेंगे। और आपको जिस भी टाइप की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि अंकित भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं बेशक उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो मेरे बलिया से कुछ भाई लोग, कुछ दोस्त लोग कॉल किए थे कि यार अंकित सुन ना इसके ऊपर वीडियो बना, थोड़ा हमको डिटेल्स जानना है कि तू मेजर को क्या खिलाता पिलाता है। हम बोले चलो कोई ना, इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ, सारे भाइयों लोग को आसानी रहेगी कि मैं इसको क्या खिलाता हूँ पिलाता हूँ। तो मैं अपना ओपिनियन दूंगा, चला इधर आ, मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि मैं इसको क्या खिलाता हूँ पिलाता हूँ। आप लोग जो खिलाते पिलाते हो सकता है वो भी सही हो, तो मतलब मैं इसको जो जो चीज़ खिलाया हूँ तो मतलब उसके अकॉर्डिंग ये परफेक्ट था। इसका ना मतलब सही से ना लो रहा था ना मतलब फिट था, तो मैं जो जो खिलाता हूँ तो मैं बताता हूँ। अभी मेरा ये मेजर है ना 3 साल का हुआ है। लोग इसमें भी कन्फ्यूजन रहते हैं कि भाई तुम्हारा डॉग कितने दिन का हुआ है, कितने मंथ का हुआ है। तो भाई साहब मेरा डॉग 3 साल का हुआ है, देख सकते हैं आप, देख आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। लोग बहुत लोग ये भी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई साहब आपका डॉग कौन सा कोट है, मीडियम कोट है, सिंगल कोट है, लॉन्ग कोट है। भाई साहब ये मेजर मेरा पास में आ गई है, ये मेजर मेरा 3 साल का कंप्लीट हुआ है, 3 साल हुआ है अभी नवंबर दिसंबर में, 3 साल हुआ है इसका। तो और इसका कोट का बात करें तो भाई मेरे अकॉर्डिंग ये है आपका मीडियम कोट में आएगा, मतलब लॉन्ग कोट के नीचे बात कर सकते हैं, सिंगल कोट में नहीं आएगा। आप इसका बाल से देख सकते हैं, पास में आकर दिखा दो, आप इसका ये बाल देख सकते हैं गले पे, इसका बाल ये देख, रुक जा, आप ये बाल देख सकते हैं इसका कितना बड़ा बड़ा है। तो मतलब आप इसको लॉन्ग कोट नहीं बोल सकते हैं, ना ही आप इसको सिंगल कोट भी बोल सकते हैं, मतलब लॉन्ग कोट के नीचे जो आएगा आप उसको ये बोल सकते हैं, मेजर उसमें आ जाएगा, बेसक आ जाएगा। तो मार लगाओ, तो मीडियम कोट में आएगा। तो अब हम इसकी डाइट प्लान बताते हैं कि हम इसको क्या खिलाते हैं पिलाते हैं। तो मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि मैं इसको क्या खिलाता हूँ पिलाता हूँ। तो भाई मैं सबसे पहले इसको खिलाता था वो चिकन चावल, नहीं उसके पहले मैं पेडगिरी खिलाता। और मार लगा बेचे बेगोड़ा देता पैसा तो दिमाग मत। तो मैं इसको सबसे पहले पेटगिरी खिलाता था, तो पेटगिरी 200 ग्राम 250 ग्राम, बहुत लोग ये भी कन्फ्यूजन रहते कि भाई पेटगिरी इसको खिलाना है तो कितना खिलाना है। तो मैं इसको 200 ग्राम 250 ग्राम खिलाता था, और बहुत लोग कहते कि पेटगिरी, मैं देखा हूँ जो साथ में दोस्त लोग जो रखे हैं ब्रीड, वो पेटगिरी को पानी में डाल के खिलाते हैं तो वो लोग भी खा लेते हैं। तो ये सबकी बात है कि आपका डॉग खाता है नहीं खाता, सबसे बड़ी ये बात है। बहुत लोग तो दूध दही भी खिला देते हैं, तो इसको अगर हम दूध दही दे तो भाई साहब ये टच ही नहीं करेगा, भले पूरा दिन भूखा रहे, भले पूरा दिन भूखा रह जाएगा लेकिन दही दूध नहीं खाए, कभी कभी टच कर देगा, टच कर नहीं तो नहीं खाता है। अगर पेटगिरी को पानी में भी डाल के दे तो नहीं खाता है। तो इसको मैं पेटगिरी देता था 200 ग्राम 250 ग्राम, उस पर एक बॉयल अंडा मिक्स करके देता था सुबह शाम, तो उसमें भी इसका ग्रोथ ठीक था, कोई इशू नहीं था, बिल्कुल परफेक्ट था। फिर मैंने कुछ महीने बाद फिर मैंने इसको चेंज कर दिया, फिर मैं डेली सुबह शाम इसको चिकन चावल खिलाने लगा, चिकन चावल डेली 150 ग्राम, 100 ग्राम 150 ग्राम चिकन और एक ग्लास नॉर्मल ग्लास, मतलब 100-150 ग्राम मान लीजिए, 100-150 ग्राम चावल बॉयल करके खिलाता था सुबह शाम। फिर वो भी मैंने कुछ महीने खिलाया, उसका भी रिस्पॉन्स ठीक था। तो फिर मैंने चेंज कर दिया, अब मैं देता हूँ रोटी और एग, 6 रोटी और एक बॉयल एग, मतलब इसको कंपलसरी है कि एग देना ही देना है, मतलब इसको कंपलसरी है भाई कि आप कुछ भी दो इसको एग चाहिए, अगर मैं इसको एग देना बंद कर दूं तो ये खाना बंद कर देगा। इसको कोई भी हाल में एग चाहिए, मतलब कुछ भी खाना दो उसमें एग मिक्स करके दो। तो आपका आप लोग के ऊपर डिपेंड है कि आपका डॉग क्या खा लेता है क्या नहीं खाता है। तो मैंने तो इसका आदत खराब कर दिया, तो इसको एग के बिना कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता, तो ठंडी गर्मी बरसात कुछ नहीं देखता भाई, तो इसको एनी टाइम एग चाहिए।
ठंडी गर्म, यहाँ तक कि सावन नहीं बराता है तो इसको देना पड़ता है मजबूरी, क्योंकि उसके बिना ये खाएगा ही नहीं। इसको देना पड़ा डेली छः रोटी सुबह में, छः रोटी शाम को, दो टाइम यही रूटीन है इसका, और एक 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 या फिर दो दो एग, कभी एक कभी दो, मतलब जैसा लगे कि मतलब परफेक्ट उसमें आ जाए कि आराम से ये खा ले, कोई ये इशू ना हो, तो जैसा कभी कभी एक कभी कभी दो दो एग, मतलब सुबह शाम ये मिक्स करके देता हूँ। और हफ्ते में कभी एक बार दो बार चिकन चावल ये भी दे देते हैं, चिकन चावल या फिर फिश वगैरह, फिश नहीं खाता है, फिश वगैरह एकदम खाता ही ना, फिश दे दे इसको तो खाएगा, मछली टच ही नहीं करेगा, इसको उसके स्मेल से ही भागने लगता है, इसको बस चाहिए चिकन और मटन और एग। तो हफ्ते में दो या तीन बार चिकन चावल भी दे देते हैं और ऐसे नॉर्मल एग रोटी दे देते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोग क्या खिलाते हैं। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई मेरा तो दूध रोटी दे देता है, दही रोटी दे देते हैं, दूध रोटी दे देते हैं, खा लेता है, तो ठीक है भाई आपका डॉग खा लेता है, अच्छी बात है। लेकिन अगर मेरी माने तो भाई साहब ये मांसाहारी जानवर है, इसको मांस चाहिए, ठीक है, इसको मांस चाहिए। कैसे भी लोग दूध रोटी खिलाते हैं, बेड पे रखते हैं, बहुत शौक से रखते हैं, कि मतलब बहुत सारे दोस्तों के पास मैं देखा हूँ, कोई मतलब वो सब ऐसे डॉग रखे हैं ना कि मतलब अदर कोई भी घर में आ जाए उसको ऐसे करा जाए, अदर कोई भी आए ऐसे उसको खिला के चल देता है। तो भाई साहब आपके डॉग रखने का मतलब क्या है, हमको ये समझ नहीं आता है। डॉग रखने का मतलब है कि आपका घर सेफ रहे। तो मैं बहुत दोस्तों के घर आया, कोई भी आ रहा है उसको खिला रहा है, हिला रहा है, जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो भाई साहब ऐसे में डॉग रखने का कोई मतलब नहीं है, इतना प्यार वार मैं नहीं जताता, हाँ प्यार रखता हूँ, लेकिन इतना है कि मेरे घर में मेरे अलावा, मेरे फैमिली के अलावा अगर कोई एक बंदा भी एंट्री करेगा ना, तो मैं टेंशन फ्री रहता हूँ कि वो बिना परमिशन के अंदर नहीं आ पाएगा। क्यों ना मेरा दोस्त ही हो जो दो चार बार आया भी है घर पे, अगर वो भी आता है तो सोचे कि बिना परमिशन के आ जाए और ये मेजर खुला हुआ हो और वो आ जाए अंदर, तो भाई पॉसिबल नहीं है। लोग बाहर से कॉल करके पूछते हैं कि अंकित भाई मेजर बंधा हुआ है ना, हम बोलते हैं हाँ बंधा हुआ है, तब भी इसका भोंकना स्टार्ट रहता है। तो मैं इसको सैंपल एग्जाम्पल पर भी दिखा दूंगा, कभी नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा कि मेरे घर में कोई भी अदर एंटर करता है मेरे फैमिली के अलावा तो इसका रिएक्शन क्या होता है, कितना तेज एग्रेसिव होता है। अगर खुला रहा तब तो पूछना ही नहीं है, डायरेक्ट पीछे पड़ जाता है। तो यही कहूँगा भाई, अगर आप डॉग रख रहे हैं तो इतना भी प्यार मोहब्बत सही नहीं है कि उसको बेड पे रखो, सर पे चढ़ा के रखो, खिला रहे हैं, गोद में खिला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, लेकिन अदर कोई आ रहा है तो वो भी बस डायरेक्ट मुंह देख रहा है, कोई भी आ रहा है इसे पकड़ रहा है, हिला रहा है, खेल रहा है, उसके साथ चला जा रहा है। तो भाई साहब ऐसे डॉग रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपका घर बिल्कुल सेफ है, अगर आप खेलने कूदने के लिए रखें तो ठीक है भाई, लेकिन मैं तो रखा हूँ अपनी सेफ्टी पर्पज़ के लिए। और ये भी नहीं है कि मैं इसको टाइम नहीं देता हूँ, नहीं खेलता हूँ, ये खुश है हम लोग के साथ, लेकिन अदर के साथ नहीं, अदर के साथ एकदम नहीं। कोई भी बंदा अगर चाहे एंटर कर दे घर में कि मेजर खुला और कोई एंटर कर दे, पॉसिबल नहीं है। हम इस मतलब इतना भरोसा है ना कि अगर हम इसके ऊपर हम अपना पूरा घर छोड़ के जा सकते हैं, इतना कन्फर्म है। हम मतलब मेजर के ऊपर घर छोड़ के सुबह को कहीं जाना रहे पूरे फैमिली को और शाम को आना रहे, तो हम बेशक इसके ऊपर इसको खोल दे घर में ना, तो हम घर छोड़ के जा सकते हैं, कोई इशू नहीं, किसी में मतलब कोई घर में एंटर नहीं कर पाएगा। रुक जा भाई, नाखून लागत मार लगाओ, मतलब इसके रहते कोई घर में एंटर नहीं कर सकता। तो मैं भी यही कहूँगा भाई, अगर आप डॉग रख रहे हो, ब्रीड रख रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप सेफ्टी पर्पस के लिए रख रहे हो, तो बेशक आप लोग भी ऐसे ही डॉग को रखें, ऐसे ही उसको ट्रेन करें कि फैमिली के अलावा अदर पीपल आए तो डायरेक्ट अदर कोई भी बंदा है तो उसका डायरेक्ट रिएक्शन हो, तुरंत एग्रेसिव हो जाएगा, मतलब कोई भी बंदा घर में एंटर ना करे, कोई बंदा आपके परमिशन के बगैर घर में एंटर ना करे। तो ऐसा डॉग रखो तभी डॉग रखने का कोई मतलब रहता है। तो भाई ऐसे खिलाने वाला नहीं, के लिए तो बहुत सारे डॉग मिल जाए। जब अगर आप इतना बड़ा डॉग रख के उसको कोई भी आके खिला के चल जा रहा है, तो भाई इससे जब पमेलियन रख लो, वो वोडाफोन वाला रख लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, कोई भी आ रहा है गोद में खिला रहा है जा रहा है, लेकिन इतना बड़ा डॉग रखने का क्या मतलब है। बहुत लोग हैं जर्मन शेफर्ड भी देखे हैं, रॉटवीलर भी देखे हैं, तो जबकि रॉटवीलर ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, लेकिन उसको लोग ऐसा बदल देते हैं ना, कोई भी आता है खिलाता है चल देता है। और वो क्या बोलते हैं, और एक डॉग है, नाम नहीं याद आ रहा है मतलब बहुत सारे डॉग हैं, मतलब जिनकी हाइट इतनी है, इतनी बड़े, तो लोग उसको इतना खिलाते मानते हैं कि कोई भी आ रहा है खिला रहा है चल दे रहा है। तो भाई साहब ऐसे ब्रीड मेरे अकॉर्डिंग मानना, तो ऐसे मत रखना डॉग को, उतना ही ट्रेन करो कि बस उस फैमिली मेम्बर के साथ खुश रहे। अगर मैं घर का गेट भी खोल दूँ तो ये घर से बाहर नहीं जाएगा, इतना फिक्स है। अगर मैं घर का गेट भी खोल दूँ, इसको नीचे भी छोड़ दूँगा, तो बाहर नहीं जाएगा, घर में ही रहेगा। पूरे दिन भी छोड़ दूँ ना, तो घर से बाहर नहीं जाए। वही इस पर मेरा नाज रहता है, नाज, ठीक है, ये मेरे घर का शान है, सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी है मेरे घर की, जेड प्लस सिक्योरिटी। इसके रहते भाई साहब कोई हमको टच भी नहीं कर सकता। अगर मैं बाहर रोड पे खड़ा रहूँ और कोई चाय को बस हमको हाथ पकड़ भी ऐसे कर कुछ भी बोल दे, मेरे रहते मतलब
मेरे मम्मी को बोल सकते हो, मेरी बहन को बोल सकते हो, भैया को बोल सकते हो, पापा को नहीं, पापा को और हमको, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हमको, अगर हमको मम्मी भी अगर टच कर देना, मम्मी भी अगर ऐसे मार दे तो तुरंत एग्रेसिव हो जाता है, तुरंत भोंकना स्टार्ट हो जाता है। अगर मेरी बहन भी अगर हमको टच कर देना तो तुरंत इसका भोंकना स्टार्ट हो जाता है। इसका भी एग्जांपल दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे दिखा दूंगा कितना एग्रेसिव होता है अगर कोई भी हमको टच करता है, मेरा फैमिली मेंबर या फिर बाहरी मेंबर, कोई भी हमको टच करता है, कुछ ज़रा सा भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है ना, तुरंत एग्रेसिव हो जाता है। तो यही भैया हमारे मेजर भैया, नबे बोलो, हाँ बोल, हाँ इसका दांत देखो भाई, पास आकर दांत दिखाओ इसका, ये देखो, कभी ब्रश नहीं करता है, नबे ब्रश नहीं करता है ना, बोलना ब्रश कौन करता है भाई, देख ले इसका दांत देखो, जीभ दिखा, अभी नहीं दिखाएगा, अभी सुबह 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 का टाइम भाई, खेलने के मूड में। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। तो सबसे पहले भाई यही बोलूँगा कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग कमेंट भी करके बता सकते हैं कि अंकित भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। आप लोग जो कमेंट करेंगे कैमरा से रिलेटेड या फिर मेजर से रिलेटेड, अंकित भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो हम बेशक वीडियो बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अब एक छोटा शॉट दिखा देते हैं मेजर भैया के ऊपर, मेजर भैया सुबह का टाइम है तो इनको खेलने को चाहिए, तो अभी इनको थोड़ा इनके ऊपर वीडियो बना के दिखा देते हैं, ठीक है। हाथ दे, या भाई साहब इसकी ग्रोथ देखो, ए रुक शट अप, चुप भाई, देखो मेरे कंधे तक आया, तने और हाइट बढ़ा, तने में छोट पड़ता रे, चला इधर चला इधर इधर भाई साहब, अगर मैं कहीं भी बैठ जाऊँ ना तो सीधे मेरे गोद में आके बैठता है, चल कहाँ जाएगा, अभी मैं आप लोग को एग्जांपल दिखाता हूँ, चलो उधर जा, अभी मैं आप लोग को बैठ के दिखाता हूँ, सीधे मेरे गोद में आके बैठेगा, कहीं नहीं जाएगा, सीधे मेरे गोद में आके बैठेगा, मैं चुपचाप बस बैठूंगा, देख लेगा तुरंत आ जाएगा, इतना भी प्यार दिखाना सही नहीं है, नाखून मार दिया है सुबह सुबह, यहाँ पे ये लग गया, ये देखो सब नाखून वगैरह लग गया है भाई साहब, इतना भी प्यार दिखाना सही नहीं, अभी देखो इतना मोटा कपड़ा पहने है तभी हाल है, पतला पहन तो भाई नुकसान बहुत करता है भाई, चल इधर आ, हाथ दे चल बोल दे बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बोल उधर बाय बोल भाई, बाय बाय बोल दे, बाय बाय भाई साहब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, मेजर को फिर एक वीडियो बनाएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो ये रहेगा ना कि अदर कोई भी आता है, मेरा फ्रेंड सर्किल हो या फिर मम्मी पापा, कोई भी हमको टच करता है तो कितना एग्रेसिव होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना कि अंकित भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ या ना बनाओ, आप लोग कमेंट करके तभी हम बनाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चला जा बाय कर दे, बाय बाय बोल दो, बाय बाय, चले गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।